शुरुआती दौर की फाइट के लिए तैयार है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सात से वो पहला नॉक एंड एलिमिनेशन आता हुआ नजर आएगा, साथ में एक और एलिमिनेट किया है। तो फिलहाल वो दो एलिमिनेशन पॉइंट्स एडमिनों के द्वारा वो तो क्या यहाँ पे पहला फिनिशेस जो है वो जोनाथन के द्वारा निकाला जाएगा। जी हाँ, प्लेयर को एलिमिनेट करेंगे, हालांकि वो काफी ज्यादा दूर रहने वाले किया गया है उनके द्वारा, बट क्या वहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे वो एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। बट वहीं पे अगर बात करें इसके पहले वाला जो मैच था, कल आखिरी वाले प्लेयर को एलिमिनेट करने की कोशिश, और अंततः यहाँ पे आखिरी वाले प्लेयर को भी एलिमिनेट। अब यहाँ पे राइट के साइड में प्लेयर रहने वाले हैं, पहला नॉक निकालने के प्रयास के द्वारा, अगर वहाँ पे नॉक भी अगर निकालते हैं तो डेफिनेटली प्रूव करना पड़ेगा। तो प्लेयर्स क्लोज इन में रहने वाले, थर्ड पार्टी यहाँ पे गोडल करती हुई नजर आ रही है। और चलिए वो छठा एलिमिनेशन पॉइंट्स भी आता हुआ नजर आएगा, लेकिन थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी गली जो है बाल बाल बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको रिवाइव मिल चुका है। वो थर्ड पार्टी के अंदर नॉक होते हैं, लेकिन इसी बीच एक बार और नॉक हो जाएंगे, वो प्री कुक नेट के अंदर डायरेक्टली स्लैंग के कारण यहाँ पे नॉक कर दिए गए हैं। लेकिन पहला नॉक निकालने का प्रयास, ओ माय गॉड, व्हाट अ रिफ्लेक्सिव शॉट बाय ओपोनेंट। और फिलहाल वहाँ पे जोनाथन को नॉक किया, और जोनाथन को नॉक एंड एलिमिनेट किया सीधे तौर पे। ट्रायल के ऊपर सारी की सारी दावेदारी है, ट्रायल यहाँ पे नॉक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे गॉडेल को इस फाइट के अंदर इनका लॉक तो सातवें आसमान पे है। यहाँ पे लॉक होना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। टोटल 13 एलिमिनेशन पॉइंट्स यहाँ पे गॉडेल की टीम के द्वारा निकाली जा चुकी है। ट्रायल्स जो रहेंगे 5 एलिमिनेशन पॉइंट निकाली जा चुकी है। वो लेफ्ट में भी कुछ प्लेयर्स रहेंगे, उनको भी एलिमिनेट करने की कोशिश करी जाएगी। ट्रायल्स यहाँ पे बहुत वहाँ पे, लेकिन उस चक्रव्यूह को भेदना थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन पीछे के साइड से कवर फायर काफ़ी शानदार देते हुए नजर आ रहे हैं, और हाईज के एडवांटेजेस उठाने का प्रयास करेंगे। और वहाँ पे टीम MYR के दो प्लेयर्स जो बचे हैं उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करी जाएगी, और इनका कवर फायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। चलिए वो दूसरा नॉक निकालने का प्रयास फिर के ऊपर आया है। तो चलिए गॉडेल के एक प्लेयर तो यहाँ पे सर्कल के अंदर रहने वाले जरूर है। 16 एलिमिनेशन के अंदर तो कवर फायर देते हुए नजर आएंगे, और फाइनली वहाँ पे एक और प्लेयर को एलिमिनेट किया जाएगा। 17 फिनिशेस जिसके प्लेयर्स जस्ट नीचे के साइड में, चलिए स्पॉट करा इन्होंने, नॉक वाले प्लेयर को पहले एलिमिनेट करने का प्रयास कर दिया, सारी शॉट दोनों प्लेयर को एलिमिनेट किया। टोटल पे टीम टीम ने यहाँ पे दोनों प्लेयर ट्रायल के द्वारा निकाले जा चुके हैं। अब यहाँ पे सात से आखिरी टीम बचती हुई नजर आ रही है। 20 एलिमिनेशन पॉइंट सो फार यहाँ पे गॉडेल के द्वारा निकाली जा चुकी है। अब लेफ्ट हैंड साइड में एरिया में मेडल के एक आखिरी प्लेयर सर्वाइव करेंगे, उनको एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 9वां एलिमिनेशन पॉइंट फाइनली, उन्होंने एक प्लेयर को जरूर एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन ट्रायल ने उनको काफी ज्यादा लो भी कर दिया है। मेडल स्पोर्ट्स के आखिरी वाले प्लेयर के पास लगातार नेट करी जा रही है, ए वाला नेट का कनेक्शन बनेगा फाइनली यहाँ पे। दो प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे, हालांकि एक बैकअप प्लान रहेगा गॉडेल के पास, आसानी से वो चिकन निकाल दे, इनके पास एक भी फर्स्ट एड है नहीं। चलिए प्लेयर तो ओपन में जा चुके हैं, अगर आप देखेंगे तो फाइनली इन्होंने आखिर में स्पॉट करा, और इसी के साथ ये मुकाबला यहीं पे समाप्त होगा। सो मोस्ट डोमिनेशन यहाँ पे चिकन डिनर आप देखेंगे। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम